29 अप्रैल 2020 को क्या धरती खत्म हो जाएगी? क्या एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आकर हमारी धरती से टकराएगा जिससे हमारी धरती का अंत हो जाएगा? दोस्तों, असली सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, अब तक धरती पर सबसे बड़ा उल्कापिंड पाया गया है वो आप इस फोटो में देख सकते हैं। और इतना सा दिखने वाला उल्कापिंड 70 टन से भी ज्यादा भारी है। और यह जिस जगह पर पाया गया वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा हो चुका था। हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण हर रोज लाखों उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ आते हैं। यह उल्कापिंड बहुत छोटे होने के कारण इनसे हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जब हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण वहीं पर नष्ट हो जाते हैं और हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन हम बात कर रहे हैं 29 अप्रैल 2020 को गिरने वाले उल्कापिंड की, जो साइज में हिमालय पर्वत से भी बड़ा है, जो 4 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, जो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा कि बहुत बड़ा होने के कारण वो धरती तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। और इसी वजह से सारे वैज्ञानिकों की नींद उड़ी हुई है। यह एस्टेरॉयड 37,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आई हाल ही में नई रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजरेगा लेकिन धरती पर नहीं गिरेगा। जब यह धरती के करीब से गुजरेगा तो धरती से इसकी दूरी 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, यह एस्टेरॉयड हमारी धरती की तरह सूर्य के चक्कर लगाता है और इस एस्टेरॉयड को नासा के वैज्ञानिकों ने 20 साल पहले ही खोज निकाला था। और नासा के वैज्ञानिक 20 साल से इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। एक चौंका देने वाली खबर यह है कि अभी तो हमारी धरती को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह करीब 2080 में फिर से हमारी धरती के नजदीक से गुजरेगा। तब इसकी दूरी घटकर सिर्फ 2 लाख किलोमीटर होगी और तब हमारी धरती पर इसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी बीच कुछ नई रिपोर्ट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और इस वीडियो के लिए आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर दोस्तों।